नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल Skies to Fly में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है, क्योंकि इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक लेके, एक ऐसा प्रश्न जो हर किसी के मन में कभी ना कभी उत्पन्न जरूर हुआ होगा। ये प्रश्न स्पेसिफिकली मुझसे पूछा गया था एक क्लाइंट के द्वारा एक सेशन के दौरान। उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर सब कुछ पहले से ही डिस्टाइंड है, मतलब सब कुछ पहले से ही निश्चित है, जैसे हम भाग्य कहते हैं कि अरे जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, तो अगर ऐसा है तो फिर हम भविष्य को कैसे बदल सकते हैं, यानी कि हम मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। जी हाँ, अगर भविष्य पहले से ही निर्धारित है, निश्चित है, तो फिर हम को क्रिएटर्स कैसे हुए, हम कैसे उसे बदल सकते हैं और हम कैसे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी इस टॉपिक में इंटरेस्ट है और आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। आइए सीधा टॉपिक पे जंप करते हैं। जी हाँ, हमने बचपन से यही सुना है कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। आई एम श्योर आपने भी ये अपने बचपन से काफी बार सुना होगा और ये चीज कहीं ना कहीं आपके दिमाग में घर भी कर गई होगी कि सब कुछ तो पहले से ही निर्धारित है, तो जो होना होगा वही होगा, क्योंकि भाग्य पहले से ही निर्धारित है। और दूसरी जगह, जब आप बड़े हुए, इवॉल्व हुए, तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, को क्रिएशन के बारे में आपने सुना होगा कि हम अपना भविष्य बदल सकते हैं, हम अपना जीवन बदल सकते हैं, वी आर पावरफुल को क्रिएटर्स, हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये सब सुना, फिर आप एक कश्मकश में आ जाते हैं। बहुत ही जेन्युइन सी बात है कि अगर सब कुछ पहले से ही निर्धारित है तो फिर भाई हम कैसे उसको बदल सकते हैं। यहीं पे जो मेन चीज है वो प्ले में आती है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि डेस्टिनी एंड फ्री विल, भाग्य और मुक्त इच्छा, ये दो टॉपिक्स हैं जो इसमें काम करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये यूनिवर्स पूरा कैसे फंक्शन करता है। यूनिवर्स जो है, इसको हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि एक मास्टर कंप्यूटर है, ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है जिसमें कि हमारी फ्रीक्वेंसी जाती है। अब वो कैसे जाती है कि अगर हम एक छोटा सा विचार भी सोचते हैं तो वो एक इंफॉर्मेशन के रूप में ऊपर पहुंचता है उस सुपर कंप्यूटर में, और वहां पे वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और वो प्रोसेस होके एक फीडबैक के तौर पे यहाँ पे हमारे पास पहुंचती है, और उसे हम डेस्टिनी बोलते हैं, भाग्य बोलते हैं, क्योंकि वही हमारे साथ होता है। जैसा हमने अपना विचार ऊपर भेजा, वो इंफॉर्मेशन वहां से प्रोसेस होके एक फीडबैक के तौर पे वापस हमारे पास आई और वो घटना हमारे साथ घटित हुई, हम उसे अपना भाग्य कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि हमारे पास डेस्टिनी के अलावा फ्री विल नाम की भी एक चीज है, भाग्य और मुक्त इच्छा, फ्री विल। जैसे कि हमारे पास चॉइसेस होती हैं, हर चीज करने के लिए हमारे पास हमेशा चॉइसेस मौजूद होती हैं। जो हमने अपने पास्ट में, अपने अतीत में चूज किया था, उसके बेस पे हमारा आज का जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट रियलिटी है, वो उसी के बेसिस पे है, और जो हम आज चॉइसेस बनाएंगे इसके ऊपर निर्धारित होगी हमारा पूरा फ्यूचर रियलिटी। इसलिए जो हम चॉइसेस बनाते हैं वो हमारी फ्री विल है। अब हम गलती क्या करते हैं कि हम अगर सोच लेते हैं कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा, इसका मतलब है कि हम अपनी चॉइसेस क्लियर नहीं कर पाते। अब हमने ऊपर फ्रीक्वेंसी क्या भेजी, अपने विचार क्या भेजे, हमने थॉट्स क्या भेजे कि अच्छा जो होना होगा वो हो जाएगा। अब वो फ्रीक्वेंसी, वो थॉट्स, वो विचार जब ऊपर उस सुपर कंप्यूटर में गए, तो वहां पे वो कंप्यूटर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसे क्लैरिटी नहीं मिली, उसे समझ नहीं आया कि ये इंसान आखिरकार चाहता क्या है। इसलिए उसको उस इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हुए जो भी समझ में आया उसने वो फीडबैक आपको भेज दी, और फिर आपके साथ कुछ हुआ और आपने कहा कि अरे ये तो भाग्य का खेल था, ऐसा ही होना था, ऐसा हो गया। समझे आप मेरी बात? जबकि यहाँ पे जो होना था वो कुछ अलग भी हो सकता था, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइसेस, कि आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करते और सही चॉइस बनाते और अपनी क्लियर इंटेंशन को ऊपर भेजते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि बच्चों के एग्जाम होते हैं,
तो अब यहाँ पे भी डेस्टिनी और फ्री विल की बात आ जाती है, क्योंकि वो बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम हुआ अच्छा नहीं हुआ तो वो खूब डर जाते हैं, फिर वो प्रे क्या करते हैं कि हे भगवान प्लीज कृपा करना मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं फेल ना हो जाऊँ, प्लीज प्लीज मुझे बचा लेना कि मैं फेल ना हो जाऊँ। अब हुआ क्या कि अब इस बच्चे ने तो उस डर से बोला कि मैं फेल ना हो जाऊँ, मतलब कि मैं पास हो जाऊँ, लेकिन अब उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, उसका जो जो क्लैरिटी थी वो था फेल, द वर्ड फेल। अब वो जब ऊपर चली गई फ्रीक्वेंसी, तो ऊपर जाके उस सुपर कंप्यूटर में वो फेल हुआ, तो उसको सुपर कंप्यूटर ने जब प्रोसेस किया तो आया कि फेल फेल फेल, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे वो बच्चा फेल हो गया। अब आप समझे, यहाँ पे हमारी चॉइसेस मैटर करती हैं। अब क्लियर इंटेंशन, उसकी इसमें क्लियर इंटेंशन थी, लेकिन वर्ड था फेल। यहीं पे अगर वो चॉइस बनाता है कि मैं पास हो जाऊं, तो उसकी एक क्लियर इंटेंशन ऊपर जाती, उस सुपर कंप्यूटर में जाती पास, और वो यहाँ पे पास हो जाता। दिस इज हाउ वी कैन चेंज आवर रियलिटी। हम लोग को क्रिएटर्स इसी प्रकार से हैं। अब कुछ चीजों पे तो हमारा बस नहीं है, जैसे कि जो चीजें, जैसे हमारा जन्म कहाँ पे हुआ है, किस फैमिली में है, अब इन चीजों पे हमारा बस नहीं है, लेकिन उसके बाद में हर चीज पे जब हमारे पास चॉइसेस आ जाती हैं, तब हमारा बस होता है कि हम क्या चूज करते हैं, कौन सी फ्रिक्वेंसी ऊपर भेजते हैं, और उसके बेस पे कौन सी फीडबैक हमारी जिंदगी में आती है। तो यहाँ पे भाग्य और मुक्त इच्छा, डेस्टिनी और फ्री विल, या फिर फेट और फ्री विल, यहाँ पे काम आती है। आई होप आप क्लियरली बात मेरी समझ रहे होंगे। अगर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, दोहरा देती हूँ कि अगर हम अपने माइंड में जो भी सोचते हैं वो फ्रीक्वेंसी में क्लैरिटी नहीं है, हमने सही चॉइस नहीं बनाई है, हम ऐसे ही बहुत सारे विचारों का गुच्छा ऊपर भेज रहे हैं, तो क्या है कि वो यूनिवर्स का जो सुपर कंप्यूटर है वो उस इंफॉर्मेशन को सही से प्रोसेस नहीं कर पाता, उसे क्लैरिटी नहीं मिल पाती, लेकिन वो फिर उस प्रोसेसिंग के हिसाब से उसने जो भी उसको समझ में आता है वो फीडबैक आपके जीवन में भेज देता है। फिर आपके जीवन में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, तब आप कहते हैं कि ये भाग्य में लिखा था, हो गया। और दूसरी तरफ अगर वही आप अपनी क्लियर इंटेंशंस सेट करते हैं और बिल्कुल क्लियर चॉइसेस बनाते हैं, और वही अपनी भावनाएं, वही अपनी फ्रीक्वेंसी ऊपर उस सुपर कंप्यूटर में भेजते हैं, और वहां पे जो उसकी प्रोसेसिंग होती है क्लियर इंटेंशंस की, और उसके बाद में वहां से जो फीडबैक नीचे आती है आपके पास, आपकी लाइफ में कुछ घटित होता है, तो आप कहते हैं कि मैंने ये को क्रिएट किया है, मैंने इसे मैनिफेस्ट किया है। अभी आप समझे कि जब सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, जिसे हम भाग्य बोलते हैं, तो फिर हमारी फ्री विल और मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यदि हम अपनी क्लियर चॉइसेस नहीं बनाते हैं तो ऑब्वियसली फेट और डेस्टिनी ही काम करेगा, क्योंकि जो उस मास्टर कंप्यूटर को समझ आएगा वो हमें वही देगा, और वही हमारी डेस्टिनी और भाग्य बन जाएगा। और अगर हम अपनी क्लियर चॉइसेस बनाते हैं, अपनी फ्री विल को चूज करते हैं, क्लियर इंटेंशंस भेजते हैं, उसके बेस पे जो फीडबैक हमारे पास आएगा, जो हमारी जिंदगी में घटित होगा, वो हमारी मैनिफेस्टेशन बन जाती है। आई होप आज की इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिली होगी, और मैं ये दो टर्म्स और ये जो पूरा प्रश्न था, इसका उत्तर बहुत क्लियरली आपको दे पाने में सक्षम हुई होंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ, अगर आपको अच्छी लगे तो डू हिट द थम्स अप बटन, वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें इन दोनों टर्म्स में अगर कन्फ्यूजन है कि अगर सब कुछ पहले से ही डिस्टाइंड है तो फिर हम उसे कैसे बदल सकते हैं, तो आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आई एम श्योर कि ये उन लोगों के काम आ सकती है, और वो भी अपने भविष्य को अच्छे तरीके से को क्रिएट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और हाँ, अगर आपके अभी भी कुछ क्वेश्चन, क्वेरीज और डाउट्स हैं तो उन्हें नीचे मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और अगर आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो वो एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं वहां पर आपके साथ कनेक्ट करूंगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली कड़ी में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स, एंड रिमेंबर द स्काई इज टू फ्लाई। नमस्ते।